कानून मंत्री भी रहा हूं, विधि मंत्री भी रहा हूं, कई लोगों ने मुझे कहा था कि साहब पनिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने बोला क्यों, कि कोर्ट में जाना इटसेल्फ पनिशमेंट है। सदन को बताना चाहता हूं, ये तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था, यहीं से शुरुआत होती। परंतु इसके अलावे आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे जब सदन पारित करेगा, तब वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिसे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है, लंदन गैजेट का जिक्र है, ज्यूरी और बैरिस्टर का जिक्र है जो हमारे यहाँ कब के चले गए, लाहौर गवर्नमेंट का जिक्र है, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव का जिक्र है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है, हर मेजेस्टी और बाय द प्रिवी काउंसिल, ऐसे हर जगह रेफरेंस दिए हुए हैं। कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट्स कंटेंट इन द लंदन गैजेट, इसके आधार पर एक कानून को बनाया गया है। पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, इसका भी जिक्र आज भी है। कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड, इसका भी जिक्र 33 से ज़्यादा जगहों पे है। हर मेजेस्टी डोमिनियंस का इस अधिनियम के अंदर ढेर सारे जिक्र है। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इस कानून से हमने नए युग को जोड़ने का भी प्रयास किया है। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है, कानून में कोई कानून की अदालत में जाए तो न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं। लोगों की श्रद्धा उठ गई है, कोर्ट में जाने से डर है। मैं गुजरात का कानून मंत्री भी रहा हूं, विधि मंत्री भी रहा हूं, कई लोगों ने मुझे कहा था कि साहब पनिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने बोला क्यों, कि कोर्ट में जाना इटसेल्फ पनिशमेंट है। इस प्रकार की मानसिकता लोगों के दिमाग में घर गई। हमने इसीलिए आधुनिक से आधुनिक तकनीक को इसके अंदर समाहित करने का निर्णय किया है। माननीय अध्यक्ष जी, दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता इस देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। एफआईआर से केस डायरी और केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून के अंदर मैं लेकर आया हूं। अदालत की सभी कार्यवाही को टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने के लिए हम करते हैं। अभी आरोपी की पेशी ही सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो सकती है, अब संपूर्ण ट्रायल क्रॉस सहित की वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण भी होगा, जांच पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों का रिकॉर्डिंग जो करना है वो भी होगा, और उच्च न्यायालय के मुकदमे और सभी अपीलीय कार्यवाही भी डिजिटली संभव होगी।